झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सिमडेगा नगर भवन में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने विभिन्न तरह की समस्याओं को लिखित आवेदन के रूप में दिया, जहां पर इन आवेदनों को मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजने की बात कही। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि अलग अलग महीने में अलग अलग मंत्रियों का आगमन होगा और सभी तरह की जन समस्याओं का निदान किया जाएगा। बड़ी बात यह रही कि जनसुनवाई के कार्यक्रम के दौरान आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रहीं, जो लोगों में चर्चा का विषय भी बना रहा। जन सुनवाई में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ जिले के दोनों विधायक हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं और अभी कांग्रेस पार्टी के सभी साथी यहाँ पर हैं और आपके सामने देख रहे हैं लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, उनसे पेटिशन ले रहे हैं। पेटिशन में तरह तरह की समस्याओं का जिक्र, जिसको लेकर के हम लोग साढ़े तीन बजे लगभग किसी की अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद सभी पदाधिकारियों को डीसी सहित सबको यह निर्देश दिया जाएगा कि 20-25 दिन के अंदर इस पर इसका निराकरण निकाले, अनुपालन प्रतिवेदन हमको दे, ताकि लोगों को लगे विश्वास कि सरकार हमारी है और हम इसके भागीदार हैं, कांग्रेस पार्टी के भागीदार हैं।